श्री राम जनार्दन मंदिर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान में भाग लिया। आराम से दीपक भैया, थोड़ा यार रोक देना, थोड़ा सफाई करने दीजिए सर। आप निकल लीजिए, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, पीछे देख क्रॉस करते हैं। आराम से धीरे धीरे से राहगीरी आनंद सोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 8 बजे शामिल हुए, जिन्होंने घंटी बजाकर इस उत्सव की शुरुआत की। राहगीरी के दौरान यहां का नजारा देखते ही बन रहा था, क्योंकि एक ओर जहां डमरू और झांझ की धुन सुनाई दे रही थी, तो वहीं भजन कीर्तन के साथ ही पारंपरिक खेल रस्सी कूद बोरा दौड़ जैसे खेल का लोग आनंद लेते नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में रेलवे के 175 करोड़ की लागत से बनने वाले जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। आगर रोड पर रेलवे के मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। आगर रोड स्थित मकोड़ियाम नाके पर रेलवे द्वारा 175 करोड़ रुपए की लागत से अपना प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा, जिसका पहले चरण में 67 करोड़ की लागत से होने वाले निर्माण का भूमि पूजन सीएम डॉक्टर यादव ने किया है। प्रशिक्षण संस्थान में पश्चिम रेलवे के सभी 6 मंडलों के 500 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए एक साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। स्वागत परंपरा भारतीय संस्कृति की परिचय करनी है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अपने आप कोई अंदाज लगा सकता है कि खास करके इसी रेल के विभाग के द्वारा कोई कहे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हमने क्या डेवलपमेंट के काम किए, तो इसका कोई उदाहरण पकड़ना चाहे, उदाहरण जानना चाहे, तो उदाहरण हमको अपने आप मिल जाता है। एक उदाहरण केवल है, पूरे स्टेट के अंदर 2013 के पहले, 14 की सरकार के पहले, जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार, और उनके बारे में माना जाता था कि वो फाइनेंस के बहुत जानकार, और उनके लिए उनके लोग कहते भी हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के विकास के कामों का क्या पैमाना, क्या बता सकते हैं।
बहुत अपने पीठ दबा करके वो अपनी सारी ताकत के साथ उनकी सरकार के कामों की स्पीड बताते हैं। अब उनके कामों की स्पीड अपन अगर देखें तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अकेले 2009 से 2014 के बीच एवरेज हमारे पास मात्र 632 करोड़ रुपया रेलवे के माध्यम से मध्य प्रदेश में खर्चा हुआ। कोई अंदाज लगा सकता है कि 2009 से लगा करके 14-13 की अपनी तक और उसके उल्टे अकेले 2023-24 में मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे अवसंरचना के लिए आधुनिकरण विकास कार्यों के लिए माननीय मोदी ने 13,600 72 करोड़ रुपए की राशि दी।